children, welcoming Creation with Children. Today we are going to teach English of Class 5, Unit 3. Topic is Robinson Crusoe. Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for company. One day he discovered a footprint on the sand. Let's find out what he did then. Robinson बहुत समय पहले से अलग रह रहा था, तो उसके आसपास कोई नहीं रहता था। उसने एक दिन फुटप्रिंट देखा, पैरों के निशान देखे, तो क्या हुआ? यही स्टोरी है। One day when I was going towards my boat, एक दिन जब मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. Sand जो रेत होती है समुंदर के किनारे, वहां पे उसने क्या देखा? एक फुटप्रिंट देखा। किसके? मैन के। I stood amazed, I listened, I looked around me, I could neither hear nor see anything. उसने कहा वो अमेज हो गया, अमेजिंग, कहते हैं अमेज, बहुत चक्का हक्का पक्का रह गया। किसे? उस फुटप्रिंट को देख करके, क्योंकि उसने न वहाँ कोई सुना था न किसी को देखा था। I went higher to look down, I went to the shore and round the shore, but it was no good. उसने क्या किया? ऊपर नीचे गया, उसने शोर समुद्र के किनारे जो होते वहां तक गया, पर उसे कोई नहीं दिखा। I could find no other footprint but that one. उसने सिर्फ एक ही फुटप्रिंट दिखा और कोई नहीं दिखा। I went to it again to see if there was any more footprints and if it had been my imagination. वो ये देख रहा था कि क्या कोई दूसरा फुटप्रिंट है या सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है। But I was not mistaken, for there was exactly the print of a foot. Toes, heels, every part of foot. उसने कहा ठीक, मैंने कोई मिस्टेक नहीं की, मेरी कोई इमेजिनेशन नहीं थी, यहाँ पे फुटप्रिंट है। क्या है? टोज भी है, हील भी है और फुट पूरा, फुट के नीचे का पूरा हिस्सा है। I could not imagine how it came here. वो कह रहा मैं कल्पना नहीं कर पाई कैसे आया। I stayed a long time thinking, but become more and more confused. मैं सोचते रहा, मैं जितना सोच रहा था उतना मैं क्या हो रहा था? कंफ्यूज हो रहा था। At last I returned home very frightened. मैं डर के मारे घर वापस आ गया, frightened बिल्कुल भयभीत हो गया। Looking behind me after every two or three steps, जैसे मैं दो तीन कदम चलता था मैं पीछे देखता था, mistaking every bush and tree to be a man. मैं हर झाड़ी को और पेड़ को सोचता था कि ये आदमी तो नहीं है। When I came to my cave, which I called my castle, जब मैं अपनी गुफा में आया जिसे मैं कैसल महल कहता था, I went inside it, मैं एकदम भाग गया, as if I was being chased. I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the rock. जो जिस गुफा में रहता था वो कह रहा मुझे याद नहीं मैं कैसे गया अंदर, कैसे मैं चला गया, होल से गया या मैंने लैडर सीढ़ी का इस्तेमाल किया। Which I called the door. I ran for cover faster than any animal could run. मगर मैं इतने तेज दौड़ा जिससे कोई एनिमल दौड़ सकता है उससे भी तेज दौड़ा। I did not sleep that night. मैं उस वक्त सोया नहीं। The more I thought about what I had seen, the more afraid I became. मैं जैसे सोचता था कि मैंने क्या देखा मैं वैसे और डरने लगा। I thought it could be one of the savages. मैं सोचना कि कोई और savages मैंने वहां जो और रहते हैं जो ऐसे रहते हैं जंगल में, ऑफ द मैन लैंड हु हैड वंडर्ड आउट टू सी इन अ स्मॉल बोट। उसने कहा हो सकता है यहाँ कोई और जो रहते हैं उन्होंने कहीं मुझे देख तो नहीं लिया, जंगलों में, और कहीं मेरी बोट तो नहीं देख ली। लेकिन आई वॉज नॉट ऑन श्योर एट द टाइम। उसने कहा वो उस समय में समुद्र किनारे नहीं था, ये मेरा लक है। बट वट इफ ही हैड सीन माई बोट, अगर उन्हें मेरी बोट देख ली तो फिर क्या? इफ ही हैड सीन द बोट ही वुड हैड realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat. उसने कहा अगर उन्हें रियलाइज हो गया कि तो मेरी बोट देखेंगे तो उन्हें पता लग जाएगा कि वो यहाँ रहते हैं, वो जल्दी से आएंगे और मुझे मारेंगे और खा जाएंगे। And so I lay fearful for many days and prayer for protection in doing so. मैं बहुत दिनों तक प्रेयर करते हैं और अपनी रक्षा के लिए क्या करने लगा? भगवान से प्रेयर करने लगा। आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट, बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड
I look behind me frequently. अगर मैं जैसे ही आगे चलता हूँ तो मैं एकदम से पीछे देखता हूँ कहीं मुझे कोई फॉलो तो नहीं कर रहा है. बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, क्योंकि मैं अभी भी बहुत डरा हुआ था. हाउएवर आई वेंट अबाउट फॉर टू और थ्री डेज एंड सो नथिंग. जब दो तीन दिन हो गए मैंने किसी को नहीं देखा. आई बिकेम अ लिटिल बोल्डर, तो मैं थोड़ा सा क्या हुआ, बोल्ड हो गया. अगर आपके साथ ऐसा होता है चिल्ड्रन, मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आप घर में अकेले हो और आपको ऐसा महसूस हो कि कोई आपके बाहर से जा रहा हो, कैसे आपने आवाज सुनी थी, बस अगर बारिश हो रही हो, कोई भीग के आया हो, जैसे उसके फुटप्रिंट उस समय भीगे हुए हो या कोई मिट्टी से आया हो, तो आपके अगर आगे आंगन में कोई इस तरह से निशान बैठा है तो आप क्या करोगे? इमेजिन करो, आप क्या करोगे? आपके पहले दिमाग में आएगा कि हाँ, सबसे पहले मुझे ऐसी सिचुएशन में अपने घर को खोलना नहीं चाहिए. सेकंड, आपको ये भी लगेगा कि हाँ, मैं देखूं ये फुटप्रिंट किसके हैं. तो उस समय आप क्या करोगे, बड़ी होशियारी से, बड़ी चालाकी से ये पता करेंगे कि फुटप्रिंट किसके हैं, आपको कोई नुकसान भी ना हो. करेंगे नहीं करेंगे, ये मेरा क्वेश्चन है, आप इसे जरूर सोचिएगा. अब यहाँ पे बताइए कि इसने क्या किया होगा, रॉबिन्सन ने उस समय क्या किया होगा. रॉबिन्सन तो बहुत डरा था, डर के मारे अपनी गुफा में जिसे वो कैसल कहता था वो छुप गया था. क्या वो उसने भी इस तरह की चीज होगी, इस तरह से उसने कोई अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया होगा. वो गया होगा फुटप्रिंट के पास, और गया होगा तो क्या हुआ होगा. तो आगे की स्टोरी पढ़ते हैं. As I came closer to footprint, उसने कहा कि हाँ, उससे पहले उसने ये कहा कि जैसे दिन बीते रहे वो थोड़ा सा मतलब बोल्ड हो गया, उसे लगा कि हाँ अब मुझे थोड़ा सा हिम्मत आ गई. ओके, तो उसने भी यही किया. आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट वंस मोर. जब उसे थोड़ी हिम्मत आ गई और थोड़ा सा लिटिल बोल्डर हो गया, तो उसने एग्जामिन करने की कोशिश की कि फुटप्रिंट किसके हैं. आई डिसाइडेड टू मेजर इट विथ माई ओन फुटमार्क. उसने कहा हो सकता है मेरे तो नहीं है. एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट आई रियलाइज दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम. उसने कहा मुझे उससे याद है कि मैं तो यहाँ बहुत समय से नहीं आया हूँ बीच के इस पार्ट पे, इसलिए ये मेरे फुटप्रिंट नहीं है. एक तो उसने ये रीजन देखा. Secondly, as I placed my foot alongside the footprint, it seemed larger than my own. उसके ऊपर सोचा कि ये मैं अब मेजर करता हूँ तो उससे क्या था, बड़ा था. My fear returned. उसका जो डर था वो फिर वापस आ गया. I went home again. वो फिर से अपने घर में चला गया, believing that there was someone there. उसे लगा यहाँ कोई है. The island was inhabited. मतलब आइलैंड में कोई और भी रहता है. आइलैंड में कोई और भी रहता था, तो उसे इस तरह से लगा. तो ये स्टोरी है हमारी, ये आप इसको समझिएगा. कैसे लगी मुझे कमेंट में बताइएगा, और चैनल क्रिएशन विद चिल्ड्रन को सब्सक्राइब करें. ओके, थैंक यू, बाय बाय.